अरबाउन मनकुन नफी ही, अगर चार चीजें किसी में देखो समझ लो कान मुनाफिकन खालिसन, वो खालिस मुनाफिक है। वो कैसा है? मुनाफिक नहीं, पक्का मुनाफिक है। अरबाउन मनकुन नफी ही कान मुनाफिकन खालिसन, अगर किसी इंसान में देखो चार बातें अगर पाई जाती हैं, अल्लाह के रसूल कह रहे हैं ये पक्का मुनाफिक है। अगर ये एक बात पाई जाती है तो उतना मुनाफिक है। सुभान अल्लाह। आप जानते हैं जुमा का मुख्तसर वक्त होता है, मैं उंगली पर गिनाता हूं क्या है चार बातें। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं अल्लाह ये चार बातों से आपको बचाए। आप अल्लाह से दुआ करो अल्लाह मुझे मेरी नस्ल को बचाए। इदा हद्दस कज़ब, पहला क्या है? बात करे तो झूठ बोले, मामला है ना, बात करे तो झूठ बोले। सुभान अल्लाह। क्या है हमारे अंदर? घर में बिस्तर पर बैठा हुआ है, किसी से वादा कर दिया है, कहां जी हो? रस्ते में हूं, अभी रस्ते में आ रहा हूं। जी हां जी, जानबूझकर। कैसा झूठ है हमारी जिंदगी में। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इदा हद्दस कज़ब, जब मुनाफिक बोलता है तो झूठ बोलता है। वह इदा आहद गदर, और जब वादा करता है तो हमेशा वादा खिलाफी करता है। वह इदा तुमीना खान, और जब अमानतें रखी जाती हैं हमेशा अमानत में खियानत करता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वह इदा खासम फजर, याद रखो जी, वह इदा खासम फजर, और जब भी कभी बातचीत का मौका आता नहीं, चार लोगों में बैठकर जब बातचीत करता है, मुनाफिक हमेशा गालियां बकता है और बातचीत झगड़े पर खत्म करता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अपने आप को आईने के सामने खड़ा कर लो, ये चार चीजें सामने रख लो, अपने आप का मामला जांच करके देख लो, ये चार चीजें मेरे अंदर अगर पाई जाती हैं, मेरे नबी ने गवाही दी है कि मैं पक्का मुनाफिक हूं। अपने आप को इससे बचाओ, और ये चार के चार भी मामले से ताल्लुक रखती हैं। अल्लाह हमें मोमिन बनाए, अल्लाह हमें मोमिन बनाए, अल्लाह इस कौम को अल्लाह मुनाफिक बनने से अल्लाह महफूज रखे।